हेलो एंड वेलकम टू पट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन और हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट और थोड़ा बहुत वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में आपसे बात करने इस हफ्ते वापस आ गए हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से एक तो क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही है और जो खेली जा रही है उसका यू नो नौयत जो है बायलैटरल T20s, उस पर मेरे उस्मान की राय आपको अच्छी तरह बताए। तो अक्सर हम अपने शो का आगाज करते हैं यही शिकायत करते हुए कि यार क्या बकवास, बड़े बोर हैं हम, ये वो। तो पिछले हफ्ते हमारे एक करीबी दोस्त स्पेस स्पेस यार के को फाउंडिंग मेंबर असद हसनैन ने मुझसे कहा कि यार ये तुम लोग जो हर दफ़ा रोते रोते हो कि हमें बोर हो रहे हैं, ये वो ना, इट्स अ बिट लाइक इट्स वेरी काइंडली बट लाइक बेसिकली कि इट्स अ बिट इंसल्टिंग टू योर ऑडियंस। तो मैं ये सोच रहा था कि हम थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हम क्यों क्यों हैं इतने बोर, थोड़ा ये समझाएं। उस्मान, ये असल दिन तुम्हें साइड बार करके बताया है, मुझे तो याद भी नहीं है ये कमेंट। या साइड बार, दिस साइड। अच्छा असद, साइड बार इज नॉट मेंट टू बी डिस्कस्ड पब्लिकली बट आई फेल्ट इट वाज, इट डेफिनेटली इंस्पायर्ड मी, आई हैड समथिंग, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। तो मैंने कहा भाई क्या है, तुमसे ही पूछ लूं कि भाई क्या सीन है, आप क्यों बोल रहे हैं। इसी सेइंग कि हम लोग बुड्ढे हो गए हैं बेसिकली, बुड्ढे बाबू के जैसे मोन कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। आई मीन जो लोग नहीं जानते असद को, उनको ये पता होना चाहिए कि असद इज यू नो जो हमारा ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग क्रिकेट में काम करते हैं, असद डजंट वर्क इन क्रिकेट एंड डजंट लिव इन पाकिस्तान, सो ही लिव्स इन द मोस्ट प्रिस्टीन बबल्स ऑफ होप एंड बिलीफ के पाकिस्तान की टीम हर मैच में, हर सूरत हाल में, हर टूर्नामेंट में वापस आ जाएगी, जीत जाएगी, ये वो। और उसके बाद ये भी है कि उसी उतनी ही तेजी से वो पाकिस्तान टीम से उकता जाते हैं। तो हाल ही में उन्होंने ही शुरू किया हुआ था कि सब बकवास हैं, शादाब बकवास है, ये जनरेशन बकवास है, इस जनरेशन से प्रेशर नहीं खेला जाता, ये वो फलाना ढुकाना। तो असद मतलब जो है एटलीस्ट जो मेरी कोफ्त है उसमें उनका एक बड़ा हाथ भी है। मगर भाई तो मैं पूछना चाहता कि भाई उस्मान आप आजकल बोर हैं क्रिकेट से, अगर हैं तो क्यों? नहीं, मैं बोर्ड बिल्कुल नहीं हूं। मैं नहीं हूं। यू नो व्हाट इट इज, एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट कंटेंट है बहुत, लेकिन सब एक जैसा कंटेंट होता है। यू नो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी गिडियन हेग और पीटर लॉलर का एक पॉडकास्ट आता है, काफी पुराना और बहुत अच्छा पॉडकास्ट उनका आ रहा है, जब वो ऑस्ट्रेलियन में थे दोनों। अब दोनों ने छोड़ दिया है, फेमसली ऑस्ट्रेलियन जो अखबार है, और काफी काफी बुरे किस्म का ब्रेकअप हुआ है एंड एवरीथिंग, एटलीस्ट गिडियन का उनके साथ। लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं द टेस्ट Season 3 पे, सो देर गेटिंग इन लाइक यू नो देर गेटिंग guests from the team. So Steve Smith आया, उनसे बात करी, एक दो और प्लेयर, उस्मान ख्वाजा आया है, उसके बाद उससे बात करी सीजन थ्री। यू नो, अगर इस तरह की एक इंडस्ट्री हो जो कॉन्टेंट जनरेट हो रहा हो उसमें, देन वी वुड हैव अपॉर्चुनिटीज टू टॉक टू, आई मीन आई एम श्योर अगर हम लोग कोशिश करें तो शायद कभी कभी एक करंट प्लेयर के साथ इंटरव्यू भी हमें मिल जाए बट्टा फास्ट पे, अगर कोई कोशिश हम करें। बट आई फील लाइक देयर इज जस्ट नॉट इनफ लाइक काइंड ऑफ सराउंड कॉन्टेंट दैट कम्स आउट दैट, आई मीन एक एड आया नसीम का पेप्सी का और हमने कितना जबरदस्त उस पर एक शो करा। एक एड आया उस पर कितना हमने जबरदस्त शो करा, जो कि मुझे स्पिरिचुअली लगा कि हमारा मोस्ट वॉच्ड और मोस्ट लिसन शो था, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्ली वॉज द लीस्ट ऑफ ऑल आर शोज। बट यू नो, यू जस्ट गिव अस सम कॉन्टेंट एंड वील गिव यू ग्रेट कॉन्टेंट बैक। असद, मैं ये तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिस मैसेज इज फॉर यू स्पेसिफिकली, दैट यू नो वी जस्ट नीड सम ग्रेट कॉन्टेंट। आई एम नॉट बोर्ड ऑफ क्रिकेट एट ऑल, I enjoyed, I would say like 2/3 of the IPL, I really enjoyed. Ye series isliye bore ho gayi hai, isliye isme matches nahi hue. You know, we've been waiting 2 washouts, tomorrow is probably going to be rain affected. And if you get a rain affected T20, then it really is, you're scraping the depths of, you know, schoolyard cricket basically. 4 over ke match ho gaye, 5 over ka match ho gaya, 6 over ka match ho gaya. You know, that's not like really something that you can go crazy about, I feel, too much. So, that's part of it, you know, because the world's been taken over by the IPL for the last 2 months. Ab aap hamara content dekhega aur excitement dekhega because the T20 World Cup is starting, and I've been reading up on
all kinds of teams, and I'm loving it. And you just see, man, I'm going to wax lyrical about Uganda and PNG and all kinds of things. And you guys will be like, wow, man, kaise? Itna kaise tum, itni saari cheezon ke baare mein kaise baat kar sakte hain aap? ये तो आई थिंक पहले भी लोग हम पे कहते रहे, मगर मेरे ख्याल में अच्छा तो मैं कहूँगा कि मतलब आई डोंट डिनाई द एक्विजिशन. आई फील अक्सर जब मैं कह रहा हूँ ना शो पे कि बहुत बोर हूँ या इसके बारे में बात करने से बोर हूँ, दैट्स ट्रू. और उसकी वजह मैं अभी हाल ही हुए T20 का मिसाल आपको दे के बताता ना कि आई थिंक ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट में जब से लिख रहे हैं या ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जो कुछ भी, तो हमेशा कोशिश रही है कि जो सबसे आसान चीज़ होती है कि वो जो नी जर्क रिएक्शन होती है, और इस मैच में भी यू नो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी. तो दो मिसाल अगर मैं आपको दूँ कि एक के साय मयूब का कंटिन्यूस बैट फॉर्म, राइट, और हमने अपने पिछली किस्त में भी ये बात की थी, इस किस्त में भी ये बात कर रहे हैं. अब आप साय मयूब ले लें तो साय मयूब का ये है कि या ही इज नॉट बिन प्लेइंग वेल, मगर पाकिस्तान में और क्रिकेट में भी कि यू नो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एवरीथिंग इज क्रिएटेड इक्वल, जबकि बायलैटरल T20s अगेंस्ट इंग्लैंड और आयरलैंड जिन कंडीशंस में हैं और जो स्टेक्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं. कैरिबियन में एक वर्ल्ड T20 जहाँ पे CPL का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था साय मयूब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, लाइक ही वन एन अवार्ड देयर इन द लास्ट लीग, राइट. सो और उसको हमने देखा हुआ PSL में कुछ सालों से देखा हुआ है, और जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा है उस किस्म की बैटिंग और क्या कोई कर नहीं रह सकता, राइट. लाइक इट्स लाइक इफ यूर रेस्टोरेंट, आपके मेन्यू पे एक नई डिश है, ये नहीं है कि पुरानी डिश का थोड़ा सा आपने उसमें चीज ऐड कर दिया या गार्लिक मेयो, लाइक दिस इज समथिंग न्यू, राइट. मसला ये है कि मुझे जो तंग आ जाता हूँ कि ये छोटे छोटे मैचेस के बारे में आप बात कर रहे हो क्रिकेट में, क्योंकि अगेन लाइक देयर सो मेनी मीनिंगलेस मैचेस जिसमें ये बायलैटरल्स होते हैं जिनका कोई, हम 100 दफा बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड ODI वाली लीग खत्म हो गई तो यू नो अभी तक वो टेस्ट वगैरह की सिस्टम सही तरह इंट्रेंच नहीं हुआ है, कि बहुत दफा इनका कोई मकसद होता नहीं है, मगर उनकी वजह से आप ऐसे फैसले ले लेते हैं कि जब आप वर्ल्ड T20 तरफ, वर्ल्ड कप, कोई बड़े टूर की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस वक्त तक आपने फलां बंदे को कप्तान बनाया होता है, फलां को ड्रॉप कर चुके होते हैं, फलां को आपने टीम से निकाल चुका होता है, when really these are your big situation. The other example I would give is के उस्मान एक WhatsApp group के member हैं जिसपे जो है जब हादिस और शादाब को रन पड़े तो काफी एक नामवर क्रिकेट के थिंकर ने ये कहा कि कब सीखेंगे शादाब और हादिस, गधे हैं, but he didn't say गधे, but like वही हर दफा पिट जाते हैं वो फाड़ फाड़ा. अब ये है कि उस मैच में they talked about it a lot as well. There was like ek taraf ki boundary badi thi, ek taraf ki choti thi. Aapke jo bowlers hain unme se wo kis phase mein acche tarike se ball karate hain uski thodi aapko andaaza hona, ab uska thoda andaaza hona chahiye. Haris Rauf ko uski franchise team mein bahut akalmandi se aur bahut zyada behtar istemal karti hain compared to Pakistan jahan aksar usko power play mein over de raha hota hai, which is not his forte. Similarly, उस मैच में जब इमाद was bowling with the you know when it was harder to hit on the longer boundary, तो उसके spells where he was able to bowl a lot better than Shadab who was had to bowl defensively. तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें इन छोटे छोटे स्टेक के मैचेस में बहस करना और ये भी पता होना कि लाइक कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है और ना ही कोई ये फैसले लिए जाएंगे किसी अंकल वंकल से, लाइक यू नो आई वाज, जब मैं ये सोच रहा था इसके बारे में मुझे याद आया था कि जब मिसबा हटा था उसके बाद हम लोग चाह रहे थे कि सरफराज कप्तान बने बट अजहर अली बना था, एंड आई रिमेंबर आई सेड दिस ऑन पीपी कि अच्छा है क्योंकि पता नहीं कोई बड़ा टूर आ रहा था या कुछ आने वाला था, मैंने कहा था इसके बाद या चेयरमैन बदल रहा था या कुछ होना था, मैंने कहा यकीनन ये कप्तान बदलेंगे तो बेहतर है कि सरफराज उस वक्त आए ताकि उसको लंबी रन मिल जाए, बिकॉज अभी कुछ भी कर ले जो भी कप्तान है दे विल चेंज. एंड यू नो अगेन लाइक आप एक तरफ इतना भौंक रहे हैं एनालिसिस और दूसरी तरफ आपको पता है कि द बोर्ड इज मोस्ट ऑफ द टाइम मेकिंग रियली बिजार डिसीजंस, तो उस सब को रखते हुए मतलब वही यू नो यू जस्ट लाइक yeah, it gets very boring, which is why I was also excited because I think T20 World Cup is definitely making me feel like कुछ fit होने लगा है. खास तौर पे अमेरिका ने दो दफा बांग्लादेश को हरा दिया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तो
यकीनन हारेगा। अली खान एक टेबिया बॉलर, उनका उनका ओपनिंग बॉलर है। जस्ट आई मीन या द स्टोरीज दैट आर गोना कम आउट ऑफ दिस वन ऑलरेडी आर अमेजिंग। आई रिमेम्बर ऑल्सो मैंने वो नॉवल पढ़ी थी यही सुन के क्रिकेट के बारे में, कॉल्ड नेदरलैंड्स। इट्स सेट इन अ पर्सन्स डिवोर्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9/11। इट्स अ रियली इन न्यूयॉर्क, वाइट रीड। आई डिड नॉट एंजॉय इट, बट उसमें क्रेजी बात है कि वो बंदा बात कर रहा था कि न्यूयॉर्क में आप एक बड़ा सा स्टेडियम बना दें और उसमें पाकिस्तान इंडिया के हाँ, मैचेस हो, एंड दैट्स हैपनिंग। उसमें उसमें क्रिकेट का एस्पेक्ट ठीक था, लाइक द क्रिकेट एस्पेक्ट वाज नाइस टू काइंड ऑफ रीड अबाउट इन यू नो वेरी अनयूजुअल प्लेस फॉर इट टू कम, बट अदरवाइज यू आर कंप्लीटली राइट दैट इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ वेरी वाइट इन्वेस्टमेंट बैंकर लिविंग इन न्यूयॉर्क एंड लंडन आल्सो एंड गोइंग थ्रू अ डिवोर्स ऑफ सम सॉर्ट काइंड ऑफ बुक। नो ओके यू नो व्हाट वी आई हैव थिंग्स दैट वी शुड टॉक अबाउट। एक तो ये T20 वर्ल्ड कप पे वैसे ही बात करनी है, उसके बाद हमें शाहीन की वाइस कैप्टनसी पे भी बात करनी है बिकॉज दैट वाज एन इशू, एंड देन आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट शादाब्स फॉर्म, एंड आई थिंक दैट विल गिव असद एंड आवर थ्री अदर लिसनर्स एंड व्यूअर्स सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके स्टार्टिंग ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक एक्चुअली सो अ वीक और सो अगो आई वाज गोइंग थ्रू द स्केड्यूल, यू नो एज यू डू प्रोफेशनली आपको करना होता है, ये सब चीजें देखनी होती हैं, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ये पहला हफ्ता जो होगा टूर्नामेंट का ये तो बहुत ही बोर गुजरेगा। आई वोंट लाई, आई थॉट कि यार ये तो बहुत ही बोर गुजरेगा। आई वाज लुकिंग एट गेम्स, यूएसए कनाडा की गेम में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था बिकॉज यू नो यूएसए कनाडा वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल गेम ऑफ क्रिकेट एवर, इट्स द ओल्डेस्ट राइवलरी इन द गेम एज पीटर डेलापेना कीप्स रिमाइंडिंग अस। उसके बाद मगर जो गेम्स थी ना बहुत सारी, नेदरलैंड्स वर्सेज नेपाल, इवन यूएसए पाकिस्तान हैड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन अपसेट in that Pakistan could win that game and upset the whole tournament, Canada versus Ireland, ye bahut sari aise games thi, and I was thinking ki yaar how will you actually like it's difficult to get up for some of these games because ye time zone bhi alag hai, you know, US and at least from here, but actually when you start like reading, and I know Ahmed aap to big three cricket follow karte nahi hai, now us pe baat karne ka aapke paas time hota hai, to maybe this स्मॉल 97 जितनी भी मुल्क रहते हैं ना जो एसोसिएट नेशंस है उनके बारे में यू रीड सम ऑफ द स्टोरीज एंड दे ट्रूली आर लाइक फैंटास्टिक फैंटास्टिक स्टोरीज। लाइक फिरदोस मुंडा हैज डन द स्टोरी फॉर अस फ्रॉम युगांडा व्हिच इज कमिंग आउट प्रोबब्ली इन अ कपल ऑफ डेज आई थिंक, एंड युगांडा इज जस्ट अ क्रेजी लवली स्टोरी। दे हैव लाइक अ 43-year-old प्लेयर हु रन्स 10 kilometers एवरी मॉर्निंग बिफोर ही डज is like training with the team, which I mean, you know me, I'm in love with that guy straight away. It's like, yes, this guy is the boss, he's the legend. Is bande ne 2009 mein Afghanistan ke khilaf ek us zamane mein intercontinental cup hota tha associate nations ka, by which you know you would progress division by division. You would of course never get to the top division of full membership because cricket, but you would always like, you know, progress upwards and you'd win a title and be like the best team of the associates. 2009 में जब अफगानिस्तान ऊपर चढ़ रहा था रैपिडली, युगांडा इन डिविजन 2 एट दैट टाइम एक्चुअली बीट देम इन अ गेम, एंड दिस डूड टुक अ 4 फॉर एंड स्कोर्ड लाइक 62 ऑफ 25 बॉल्स और समथिंग टू विन दैट गेम, एंड दे ओनली दे फिनिश्ड लेवल ऑन पॉइंट्स बट दे ओनली लॉस्ट आउट ऑन प्रमोशन बाय नेट रन रेट। एंड यू नो उस वक्त से अफगानिस्तान वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड युगांडा जस्ट काइंड ऑफ लाइक डिसअपीयर्ड। बट the great thing about Uganda, including this, you know, they have this 43-year-old, they have a Pakistani origin player from Gilgit-Baltistan, which is amazing. Like, that is, like, truly, I want to know more about that story. But they have actually really interesting in that unki jo cricket hai na, unki jo cricketers hai, they're, like, indigenous. So there's not a lot of expats there. There's not, like, a lot of expats or even, like, Asian origin, subcontinent origin players who have settled there for years and years. युगांडा में बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन एक जमाने में होती थी, ईडी अमीन ने उन सबको निकाला 70s में, कुछ कुछ उनमें से वापस गए जो हैं टीम में, आई थिंक एक दो, बट अ लॉट ऑफ देम आर इंडिजिनस युगांडन ब्लैक अफ्रीकन प्लेयर्स व्हिच यू नो काइंड ऑफ गिव्स देम दैट केन्या फ्रॉम द लेट 90s अर्ली 2000s वाइब। सो यू नो लाइक दैट जस्ट मेक्स मी वॉन्ट टू आई विल वॉच अ कपल ऑफ देयर गेम्स फॉर श्योर। Canada, USA, USA beat Bangladesh. How are you not going to watch USA now after they beat Bangladesh and they're the hosts? You know, Nepal,
यू आर गोना वॉच देम बिकॉज संदीप लमी चान इज नॉट गोना बी देयर. यू नो उसका एक 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 वक्त पे हो रहा था कि ही गॉट हिज रेप चार्ज ओवरटर्न्ड, ही गॉट क्विटेड, एंड देन पीपल आर लाइक नो नो यू कांट लेट हिम बी, यू कांट लेट हिम गो, एंड देन ही डिडंट गेट हिज वीजा फॉर द यूएस व्हिच हेलो जॉइन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यू नो उसे नहीं मिला, बट यू गोना वॉच नेपाल्स गेम्स एज वेल. आयरलैंड आर अ फुल मेंबर, दे बीट पाकिस्तान जस्ट रिसेंटली, यू विल वॉच. सो एक्चुअली I kind of read myself and talked myself into getting excited about this tournament again. And I'm now like, yes, bring on that first game. I'm in all the way. Also, it is the format is so still prone to fortune and little errors being magnified completely and amplified that you get upsets. You know, there will be upsets in this tournament. And I think that's what's going to make it. And the bigger picture of the fact that this is the biggest ever World Cup, men's or women's cricket, is held. Like 20 teams. That actually, ultimately, the bottom line is that is just a damn good thing and something cricket has needed for like the last 100 years. You know, it's needed it for a long time. I think ye jo format wali baat hai na, yahan pe T20s ki ahmiyat ki nazar aati hai kyunki जब टी ट्वेंटी का कोई नाम निशान भी नहीं था. लाइक लेट्स जस्ट टेक द 96 वर्ल्ड कप, राइट? लाइक मैं 13 साल का था, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा था, जो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम. और उस वक्त मतलब यू नो जैसे यूएई और हॉलैंड किस्म की टीमें थी, राइट? और मतलब दिस इज प्रॉपरली या एंड दिस वॉज द पीक ऑफ माई क्रिकेट कंजम्पशन. तो मैं मतलब फजूल मैचेस भी देखने को तैयार था. और even in a one day, which is obviously not test matches, but wo, the only way that you had like a close game was agar pitches like you know ke bahut zyada low scoring hai, bahut zyada low and slow hai, ya bahut zyada wicket lena aasan hai, tab jaake ek one day thoda barabari ki taraf aata hai, right? Aur I think agar usse pehle world cup jaise 92 was even better for upsets, but again like New Zealand really benefited from things which were now common in T20 ke unke bade chote chote grounds the, wahan chauke chhakke marna aasan tha, wo quick start le rahe the ye wo. But by and large jab one day world cup advance kiya 2007 mein jab Pakistan Ireland se haarta hai, to wo the match is quite, you know, like it's fun, but in a very you know, you have to like cricket to enjoy that, ke wo bada like slowly Pakistan is imploding and it's a slow scoring match, etc. Compare that to 2009 mein jab Holland ne England ko haraya hai, Lord's pe, rule of Andy Murray, etc. T20s mein actually wo aise matlab you know ke wo, you and I both love low scoring games, but you don't need that for a T20 match between a good team and a bad team or a weak team to get close. Aur T20s pe itne arse se main ye soch raha tha ki ye sabse aasan tarika hai cricket ki expansion ka. और जो मजा आता है आप जैसे ओलंपिक्स और फुटबॉल का वर्ल्ड कप वगैरह में जब आप वो वाले मैचेस देख रहे हो ना शुरू में कि यार इनका मैं कुछ पता ही नहीं है, लाइक मे बी विल सी समथिंग न्यू, लाइक विद फुटबॉल नाउ एट लीस्ट लाइक फुटबॉल सो गॉट सो मच एक्सपोजर दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम अक्रॉस अ टीम जिसका आपने यूट्यूब या इंस्टा या टिकटॉक पे नहीं देखा हुआ उनके बारे में कुछ ना कुछ. बट क्रिकेट का ये वाला वर्ल्ड कप रियली ऑफर्स यू दैट जॉय ऑफ डिस्कवरिंग you know something really random, jo even again aap 2007 wala world cup ki agar misal le ke you know you had those little moments where Bermuda was you know exciting for a little while and obviously Ireland had a great world cup and you know Kenya and blah blah, but jo T20s mein aapko mauka milta hai upsets ka and really have it across the board, right? And have that ability for somebody to make a run while still giving enjoyable matches to watch, like it's really, you know, difficult for T20 matches to be like super shitty. And even if they are, matlab wo 4 ghanta for cricket standards, that's great. That's very short. Absolutely. You make it shorter still, but cricket ke liye ye is this as, you know, as good as it gets right now. Is wajah se mujhe bhi yahi excitement thi is wale World Cup ki ke aapke paas you know jo choti teamon ke bahut sare matches hain, to you know you always feel for them ke inke paas yahi do matches hain. इसमें अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो द टूर्नामेंट्स ओवर फॉर देम, राइट? लाइक एटलीस्ट वी हैव अ लिटिल बिट मोर टू प्ले विद. आई थिंक अगेन लाइक 100% यू नो विद लाइक नॉट एवरी क्रिकेट प्लेइंग कंट्री कैन होस्ट लाइक अ 20 टीम टूर्नामेंट, बट ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक दिस वन इज, व्हिच मींस दैट यू नो लाइक आई रियली रियली होप दिस स्टिक्स अराउंड.
क्योंकि ये फॉर्मेट में काफी मजेदार भी है, और फिर इसकी वजह से अगर आपके इन टीमों से कोई बंदे का ब्रेकआउट टूर्नामेंट होता है, दैट जस्ट मेक्स योर फ्रेंचाइज लीग्स मोर इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट? बिकॉज लाइक दैट पूल कीप्स इंक्रीजिंग, और मुल्कों में क्रिकेट मकबूल हो रहा है, वहां से लोग आ रहे हैं. दैट जस्ट एड समथिंग रियली न्यू, बिकॉज लाइक अगेन जो जो जिस बात से मैंने शुरू किया था, आई थिंक वही जो कि मसला पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट का सिर्फ नहीं है, मेरे लिए वही मसला क्योंकि क्रिकेट खुद इतने एक सेल्फ लिमिटिंग तरीके से ऑपरेट करता है. टू सी अ टूर्नामेंट लाइक दिस इज वेरी एक्साइटिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट एंड इट. इवन तुम्हें पता नहीं याद होगा, बट वन ऑफ माय अबाइडिंग मेमोरीज फ्रॉम द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, एंड इट वाज रियली लाइक आई थिंक इट वाज द मोमेंट इट हिट मी दैट दिस इज लाइक जस्ट अ वंडरफुल फॉर्मेट फॉर एनीबॉडी टू जस्ट सॉन्टर इनटू एंड वॉच. यू नो, आप कहीं से भी आ रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट फॉर्मेट. इफ यू रिमेंबर दैट गेम, जिम्बाब्वे हु वर एट लाइक एन एपिक लो एट दैट टाइम, 2007 में जिम्बाब्वे वर पॉसिबली एट देयर लोएस्ट. And you know, sure enough, like Australia were still a strong side. जो भी आप कहें, Australia उस format में उस वक्त थे, but Zimbabwe came out and beat Australia off the second last ball, chased down like 138, four leg byes, down fine leg from Brendan Taylor, and it was just like the final became such a great game, and the other India Pakistan game became such a great game, and Yuvraj hit those six sixes off broad, and Chris Gayle hit that century against South Africa, but that game to me was like the game of the tournament. I loved it because it was properly like a genuine upset. That ye ek format hai jisme Zimbabwe bhi khada ho sakta hai Australia ke sath, aur keh sakta hai ki nahi baba aaj tumhe hum. Aur ye, this is what is getting me really excited about this tournament. Like you were saying, ye hoga is tournament mein aise results aayenge, already aa chuke hain. USA beating Bangladesh, that's no joke. I know USA have a couple of ex pros and ringers like Corey Anderson and stuff playing, but that's like two or three guys in a team. So actually, like, the standard of USA cricket is getting there, it's improving, and they've beaten Bangladesh, by their own admission. Hamare liye hamara bahut hi long suffering and superb Bangladesh reporter Mohammed Issam, wo kehta hai usse mujhe bata raha tha ki kai saal pehle Mashraf Murtaza ne usse pucha, jab format thoda sa young tha, usse pucha ki yaar hum log kya kar sakte hain T20 mein behtar hone ke liye. ऐसे ही वो लोग कहीं गप्पे लगा रहे थे, एंड मशरफ मुर्तजा आसिम के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसाम सेड T20 खेलना छोड़ दो तुम्हारी किस्मत में नहीं है कि तुम लोग कभी T20 की टीम बनोगी. तो वो तो हम लोग अपने आप को समझते हैं बेचारे के यार पाकिस्तान मिड टेबल टीम देख रहे हैं, वो बेचारा इसाम कब से बांग्लादेश को देखता आ रहा है. बट देर विल बी अपसेट्स एंड देर विल बी ग्रेट गेम्स एज वेल बिटवीन एसोसिएट साइड्स, देर विल बी लाइक सुपर्ब सुपर्ब क्रिकेट टू वॉच between associate sides. And so I'm actually genuinely excited, even genuinely excited to watch Pakistan-USA, because I believe, man, Pakistan, if they have a bad day, which they have been having this year, they've been having quite a few bad days, so koi khair nahi hai. When you play in a tournament that big and you're on your home ground and you're coming up against a big team, but you feel like you have a chance of beating them, then you throw all like data and everything out the window, and that's when just something else, some other energy carries you through. So really looking forward to it, but I think we should discuss like seriously Pakistan's prospects in this tournament. Like, set aside our cynicism, or maybe dive deeper into our cynicism and kind of figure out where Pakistan and who the other big teams. Maybe if we start by looking at like who we think are the big teams in this World Cup. I feel like West Indies for sure. West Indies ne seen on kara hua hai aajkal. South Africa, although they lost 3-0 to the West Indies right now, I think they've got enough there. Unki bowling shayad thodi si weak ho, they haven't taken Ngidi, and Nokia is not in great form. Abhi wapas aaye injury se. New Zealand, nobody will follow New Zealand and they still make it to the semis, right? It's going to be that. Like, aap aise baithe hue honge aur log keh rahe honge, acha haan, ye teen team to semi-final mein, chautha kaun? Acha haan, wo to New Zealand. And nobody's kept an eye on them at all, and they've made it to the semis. They'll be there. Dude, Sri Lanka have got a really, 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 like, probably their best pace attack that they've had in a long time. And actually, not just their best pace attack, they've got their best bowling attack. They've got Madhu Shankar, they've got Chamira, they've got
Pathi Rana, they've got Nuwara. Like these are like expert kind of, and that's not even talking about the spinners. You know, Hasaranga and all are there. They've got a really, really good bowling attack. India, lols. I mean, we should pay some lip service to India. I think they're kind of like the to make an analogy, batao achhi si, Ahmer, essentially the same product but higher quality than Pakistan. आई थिंक आई मीन मैं दूसरी तरफ जा रहा था, लाइक कि आपके पास जब आप वर्ल्ड क्रिकेट देखते हैं, ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, हाँ, तो एक तरफ तो आपके पास हो गया पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज. इस टूर्नामेंट में, लाइक आई थिंक आउट ऑफ द थ्री, आई फील वेस्ट इंडीज आर वेल अहेड ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका. मगर उन तीनों में जब वेस्ट इंडीज जीता है, तो देव डन इट डिफरेंटली, बट पाकिस्तान श्रीलंका वेन दे वन इट was that, you know, like they had one guy kind of go on a rager, and that allowed everybody else to slowly, slowly find, you know, their kind of superpowers, or unki teams went really well. I think West Indies were really good at, like, you know, their whole team was like, anytime कोई ना कोई जो ये टूर्नामेंट जीते हैं उसमें, मतलब किसी ना किसी दिन कोई भी आके क्लिक कर रहा था और तबाह कर रहा था बाकी टीमों को. एंड उस तरीके में आई थिंक वेस्ट इंडीज हैव दैट, यू नो, पोटेंशियल सबसे ज्यादा उन्हीं में है, क्योंकि उनके पास इतने अमेजिंग स्पेशलिस्ट हैं T20 के लिए. यू नो, आप स्पिन देख लें, पेस देख लें, यू नो, वेदर यू आर लुकिंग एट लाइक गाइज हु बैट स्पिन वेल और गाइज हु बैट अगेंस्ट पेस वेल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उनके पास बहुत बड़े यूनिक यूनिक आंसर्स हैं, विच समटाइम्स आई थिंक मुश्किल हो जाता है कि उसको एक कोहेरेंट टीम बनाना, विच इज वाई एज आई सेड, लाइक यू नो, यू आर मोर लाइकली टू हैव वन गाय काइंड ऑफ हैव अ बिग डे एंड विन यू दैट गेम ईच टाइम वर्सेस मे बी पाकिस्तान श्रीलंका हु बिल्ड इन टू दैट टूर्नामेंट. बट ये तीन तीन टीमें हैं कि मतलब ये बिल्कुल आर या पार ना, कि दे आइदर हैव दे विन और दे हैव अ हॉरिबल टूर्नामेंट, लाइक यू नो द बोर्ड इज गोइंग टू गेट चेंज्ड एंड इंक्वायरीज एंड स्कैंडल्स. लाइक ये आपका एक सबसेट हो गया, ठीक है. दूसरा मैं सबसेट कहने लगा था जो आपको पता है, जो कि ये बड़ा एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे और कभी नहीं जीतेंगे, विच इज न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. और तीसरा मैं बिग थ्री कहने लगा था, बट आई वॉज अबाउट टू से कि यू नो, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग पाकिस्तान से ज्यादा हुआ है, एक्चुअली इंडिया इज इन द न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका कैंप फॉर द लास्ट डेकेड, राइट? लाइक They come in there, they're playing, they're saying all the nice things, they're playing really good cricket, and they're not winning anything. They're the number one ranked T20 side as we speak. I mean, they're the number one everything as we speak. मगर जो आज हम ग्रुप पे बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल में यही होगा कि ये, यू नो, इंडिया के ऊपर जो ये जवाल आया, बिल्कुल ऑलमोस्ट डायरेक्टली कोइंसाइड्स विद मोदी कमिंग टू पावर. दे वन the Champions Trophy right before that, and then they start losing and they never win an ICC title after that, and obviously even Pakistan managed to win something in that period. अब दिल्ली मगर इंडिया की टीम गौतम गंभीर, गया हाँ, था, कह रहा हूँ, डिड दे रियली, डिड पाकिस्तान विन समथिंग? मैं तो भूल गया दैट्स हाउ शॉकिंग इट इज एंड दैट्स हाउ लॉन्ग इट्स बीन. बट था. अब उनकी, यू नो, क्यादत गौतम गंभीर कर रहे होंगे, जो यू नो हिंदुत्व एजेंडा के लिए, लाइक इज जस्ट, या लाइक नो नो बोन्स अबाउट इट. कोई छुपाने वाली उसकी कोई बात ही नहीं है कि वो क्या है और क्यों है और कैसा है. सो अब मेरे ख्याल में इंडिया को मैं मौका दे रहा हूँ, तो आई एम स्टिल गोना पुट देम इन द बिग थ्री पाइल रादर देन द, यू नो, नेवर विनिंग काइंड ऑफ But टॉपिक. I'm comparing them to, they've got more resource than Pakistan for sure, but I'm comparing them in the way that, you know, एक inherent उनकी conservatism है जो पाकिस्तान की भी है about their batting. You know, the thing that India have going for them is of course Bumrah, all timer. They've got Kuldeep Yadav, who's having a great run of form. He's like really come back strong. You know, they've got a good bowling attack, a pretty good bowling attack, but it's and you feel like that they've left their most explosive batting options, some of them, like outside of the team, you know, outside of the squad, guys like Rinku Singh and all, Joe, you know, who are big six hitters who are explosive. They've kind of left them. You just feel like, I guess, like India में जिस तरह से हम कभी-कभी बाबर रिजवान की बात करते हैं, लोग उसी तरह की रोहित और कोहली की बात करते होंगे.
You know, although Rohit has like, well, actually, even Rizwan has a title and four runs to the final with Multan. So that Rohit has five Mumbai IPL titles or whatever. But they're like, you know, and Kohli like keeps evolving. Like even this season, you know, he went harder against spin in the IPL. He went harder against spin after the power play, which was like a weakness that they were saying. Power play, to kar leta hai, magar uske baad. He gets stuck against spin, but you know he's kind of evolved that this year. So even though he keeps evolving, you'll still find a lot of Hasan Cheema types across the border will be like, "Nahi yaar, but he's a high functioning hai, magar anchor hi hai. At the end of the day, he's just a high functioning anchor, and they need somebody else at top of that order. They need Abhishek Nayar or somebody. You know, they just can't have." So India, although it feels like yes, they should really win everything, it also feels like they've slightly still kind of not throwing everything they have or what they could have at these events sometimes. Thoda thoda lagta hai, which you kind of feel about Pakistan sometimes at a very different level, at a very like is level pe. You feel that Pakistan jo kar sakta hai, wo shayad nahi kar raha hai. Jitna kuch wo kar sakta hai, you know, they're not maximizing what they can do. I feel like that same applies in a little bit of the same way to India. Especially with regards to the batting. Yeah, I think ke us pe mujhe bhi ek cheez baat yaad aa rahi thi ke 2007 ki hum T20 World Cup ki baat kar rahe the aur usme India ka bada interesting wo tha kyunki wo hi, you know, they had like Pakistan been knocked out the first round of the men's World Cup. There's a lot of changes and so unhone ye T20 World Cup mein apni junior team essentially bheji thi jisme, you know, there's no Sachin and Ganguly, Dravid, and Falana and Dimkana. Or, matlab jo hai, you know, Dhoni leads this really, really young side. And essentially, inadvertently, this is perhaps the only time where India manages to send, like, you know, us zamane ke liye jo T20 ke liye sabse perfect India ki resources ke mutabik jo team thi, without any worry about ke star kaun hai aur kisko khush rakhna aur kisko nahi rakhna hai. Aur aap ek tarike se ye argument kar sakte hain ke in, you know, I don't remember every Indian squad since, but you can argue that India has never really done that same level of commit, you know, going all in to just picking its best T20 players. You know, jo us waqt jo tha wo ek badi unique wajah se unhone nahi kiya tha, wo shayad uske baad se nahi kiya, or at least, you know, you could say that right now that you know, like bahut arse, matlab at this, chalo, maybe, you know, you and I still think they're great, but you can argue ke Kohli and Rohit could have been dropped like a couple of tournaments back. Not because ki wo acha nahi khel rahe the, magar kyunki India ke paas itni zyada resources hain. Aur I think wahan pe fark ye hai ki Pakistan, matlab ki ye hai ki, you know, ki India ke paas 1.5 lakh rupaye hain, but wo tab bhi 10,000 rupaye ka suit khareed raha hai. Aur Pakistan ke paas 8,000 rupaye hain aur suit wala band hai. To bijli nahi hai. it's not like we have like this embarrassment of riches. Or wahin pe matlab ke jo bichare, you know, aapne badi mushkilon se Haris ko mauka diya tha aur wo jab tak agla World Cup aaya, like he's persona non grata. I think ke abhi tak aap wo Saim ke saath lage hue hain, magar wahi hai ke I think, you know, jo Haider Ali wala haal hua ye kuch bhi to wo matlab hamare yahan to the ability to kind of nurture this talent. Like, wahi hai na ki aapko Pakistan cricket mein, I think, analysis aap apna jo bhi dete rahe, but bahut dafa aapko pata hi hota hai ki aap bas ummeed ye kar rahe hain ki sitare jo hain wo align ho jaye, right? So like, okay, you lose an early game which doesn't, you know, throw you out of the tournament, but it jolts up the players and the, you know, extreme paranoia and insecurity in the dressing room is melted because of some external force that's bigger than them. And, you know, then somebody, other teams are out of form or, matlab wo ye sab hoga tab jaake phir, and all of a sudden, like, you know, sab apni potential pe khel rahe honge. Magar, yeah, to I think, agar main ye dekhna chahunga kisi team ke liye, aur khas taur pe kyunki let's, you know, law of averages as well. Pakistan's had fantastic
वर्ल्ड T20s, राइट, लाइक सेमीफाइनल और फाइनल खेल के तो, और बड़े अरसे से नॉकआउट्स तक नहीं पहुंच पा रही थी ये टीम. तो उसके बाद आई थिंक एट सम पॉइंट यू एक्सपेक्ट देम टू कम डाउन टू अर्थ. और सो वही है, सॉरी, हाँ सो गो जस्ट ऑन टू गो एड ऑन. माय पॉइंट, आई थिंक इतने दरअसल ये हो रहा है कि आपके पास बिग थ्री सेमीफाइनल खेलते हैं और फिर एक कोई और टीम आ जाती है ना, तो आई फील कि उसमें या तो वही न्यूजीलैंड आ जाएगी फिर से, या अगर कोई आएगी तो मुझे उम्मीद है, मे बी मोर देन एक्सपेक्टेशन, के वेस्ट इंडीज आए. या वी हैवन टॉक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक द रीजन वी हैवन टॉक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज बिकॉज क्या शहजादे, किसके, दोजर के शहजादे, दोजर के शहजादे, दैट्स व्हाई वी हैवन टॉक्ट अबाउट देम, बिकॉज दे विल ऑफ कोर्स गेट देयर एंड दे विल ऑफ कोर्स ब्लडी विन द थिंग, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू नॉट पिक जेक फ्रेजर मैकगर्क, ऑल्दो ही इज नाउ गोइंग एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व. यू नो दे कैन अफोर्ड टू नॉट मेक पैट कमिंस योर कैप्टन, हु इज लाइक, हु इज प्रोबब्ली एंडेड लाइक द That I disagree with, weakest. by the way. What, to not have him as captain? Dude, No, not have him as captain. Like Pat Cummins को आप कैसे हटाएंगे कप्तानी से वही आप? मैं कह रहा था कि आपने उसे हटाया नहीं, उसे पिक नहीं करा है फॉर द T20 एज अ कैप्टन. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट दे कैन अफोर्ड टू नॉट पुट अ कैप्टन इन एज देयर कैप्टन, हु हैज प्रॉबली हैड द सिंगल ग्रेटेस्ट 18 मंथ्स और क्लोज टू द सिंगल ग्रेटेस्ट 18 मंथ्स ऑफ एनी कैप्टनसी गाय एवर. वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है, पाकिस्तान में सीरीज जीता है, इंडिया में 2-1 हारा है, ऑल्दो ही वाज मिसिंग दैट सीरीज, बट 2-1 हारा है इंडिया में. एशेज रिटेन करी है, हारी नहीं है अगेंस्ट लाइक यू नो प्रोबब्ली नॉट एन ऑल टाइम इंग्लिश टीम, बट लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश टीम इन रिसेंट ईयर्स, राइट, एट होम स्पेशली, उनके खिलाफ सीरीज ड्रॉ करी है. अभी आईपीएल में फाइनल में अपनी टीम को ले गया है, यू नो वन बैड डे अगेन इन द फाइनल दे लॉस, बट लाइक द गाय इज, एंड ही इज नॉट द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड सेड दे गॉट मिच मार्श is like the purest hitter of a cricket ball, like outside of Travis Head, you know, who is also in that Australian team. So Australia to wohi dozakh ke shahzade wala scene hai. Nobody will be surprised, nobody will be shocked if they make it to the final. David Warner ka aakhri tournament hai, ye aap ek warning note mujhse le le. बहुत ही बुरे फॉर्म में आ रहा है वो इस टूर्नामेंट में, बहुत ही ऑर्डिनरी फॉर्म में आ रहा है वो इस टूर्नामेंट में, लेकिन आप 100% यकीन कहीं लिखवा ले कि वो तबाही फैला के इस टूर्नामेंट से जाएगा. वो बंदा ऐसा है, डेविड वार्नर, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स ओवर द लास्ट लाइक फ्यू इयर्स, प्योरली बिकॉज ही इज सच अ रैस्कल, कि वो ये टूर्नामेंट तबाही फैला के जाएगा इस टूर्नामेंट में, डेविड वार्नर. सो आई थिंक के अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आपके पास, आई वुड नॉट बी सरप्राइज ऑल्सो कि अगर डेविड वार्नर का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जाए और एक दो बड़ी जबरदस्त यादगार इनिंग्स खेले. उसी के साथ साथ आई थिंक के जितना भी ऑस्ट्रेलिया का, और जब से हम ये पॉडकास्ट करते आ रहे हैं, वो एज यू पॉइंट जस्ट रैन थ्रू इट, लाइक उन्होंने सब कुछ जीता है, बट मैं तब भी कहूंगा कि द बैड मोजो ऑफ रिमूविंग पैट कमिंस, आई थिंक उसको ऑफसेट No, हो he रहा है wasn't कि removed. उन्होंने, He wasn't ever captain. बट They ही just वाज़न्ट didn't pick पिक्ड him as एज captain. कैप्टन ना, बट लाइक पोटैटो पोटैटो, पॉइंट ये है कि मतलब आपके पास वो, उसने लाइक Potato स्पेशिया Bangman वाला था. टूर्नामेंट, उसने निकाला नहीं है. शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से निकाला था. वहां पे बैड मोजो है. पैट कमिंस को बनाया ही नहीं कैप्टन. वो बैड मोजो नहीं है. भाई मतलब कि वो जो ला रहा है ना अपने साथ लीडरशिप का, कि मतलब उसको उन्होंने सब कुछ दे देना चाहिए था, मेरा कहने का मकसद ये है, राइट. और मिच मार्श एटलीस्ट ये है कि वो बैटर नहीं है, क्योंकि आई फील लाइक दैट वाज लाइक एज यू नो जितनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया वो भी बैटर जिस, है. मैं एक सेकेंड, मतलब मैं कि ऑलराउंडर है थ्योरेटिकली, राइट, जिस उससे आया था, राइट, लाइक हाँ वो सॉरी, प्योर यस बैटर यस नहीं है. और मतलब क्योंकि मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जितना भी हम उस, ऑब्वियसली दे हैव ऑलवेज बीन बाय फार द मोस्ट काइंड ऑफ रेडिकल टीम इन क्रिकेट, मगर वो भी बड़े मुश्किलों से बॉलर को कप्तान बनाते हैं. वही हाँ शेन वॉर्न नहीं बना, और लाइक देव अर्ड टूवर्ड्स दैट. एंड आई वुड आर्ग्यू दैट इफ यू टेक अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड T20s, ऑस्ट्रेलिया रियली अंडर परफॉर्म, राइट. लाइक दे हैड मेड, लाइक आई थिंक देव मेड टू फाइनल्स, 22 or 3 फाइनल्स आई थिंक, लाइक 2021 वाला और ऑस्ट्रेलिया 2010 वाला, या राइट, लाइक आई देव डोंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड T20. नो एक दो दे हजार मेड द दस दोनों सेमीफाइनल्स दफा इन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा के 2007. ही गए हैं फाइनल में, हाँ उसके अलावा या दे डोंट हैव अ फाइनल.
And you know, like it was, it's been kind of like this, you know, Achilles heel for them. Ke matlab, it's crazy that England has more titles than they do, which is like wild. No, Magar, England have the, England yeah, has England two have now, two. Yeah, England have and two. 2010. yeah, Yeah. तो वो है कि ऑस्ट्रेलिया का मतलब आई थिंक मिच मार्श ऑलराउंडर है, तो आई वुड गिव हिम सम पॉइंट्स इवन दो लाइक यू नो ही इज नॉट बीन अ ग्रेट बॉलर फॉर अ व्हाइल. वेल आई मीन इट्स कंटेंशियस, मगर मिच मार्श थोड़ा नेपोटिज्म भी मुझे हमेशा लगता है, तो आई फील ऑस्ट्रेलिया ने ये थोड़ा, आई एम क्लचिंग एट स्ट्रॉज मोस्ट लाइकली, बट आई फील कि ये कि उन्होंने सही नहीं किया है, ये और सही नहीं किया. ये वैसे भी मिच जिस तरह का ऑस्ट्रेलियन ऑजी कल्चर एंड टीम कल्चर मेट मेट वो लोग इतने आराम से और इतने स्मूथली वो एक शेयरिंग ऑफ एडवाइस एंड यू नो पैट कमिंस इज लाइक अ नाइस गाय यार दैट्स द थिंग पैट कमिंस इज लाइक क्लार्क केंट ही लिटरली इज क्लार्क केंट एंड सुपरमैन टुगेदर वो इतना अच्छा इंसान है कि यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ हेल्पफुल ही विल बी to a guy like Marsh, if Marsh is like, you know, and like the decision, I think थोड़ी बहुत इस पे डिबेट और डिस्कशन हुई है ऑस्ट्रेलिया में कि यार मिच मार्श क्यों है कैप्टन, उसे होना चाहिए या नहीं, थोड़ी बहुत यानी तमीजदार किस्म की डिस्कशन हुई है उसके बारे में, but you just know that the kind of guy that Pat Cummins is, he's just going to be like, you know, Paddy's like got Mitch Marsh's back, the Bison, they call him the Bison, I think, and he's got the Bison's back, वो उसे प्यार से एडवाइस भी देगा और जितनी भी हेल्प चाहिए होगी उसे मिल जाएगी यू नो वो सब उनकी गेम एकदम ऑन होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मिच मार्श कैप्टन है या पैट कमिंस उसकी मदद कर रहा है और उनके पास वैसे ही इतने सारे प्लेयर्स हैं यार ट्रेविस हेड हु इज लाइक दी इनफॉर्म बैटर इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेटर बैटर ही इज दी इनफॉर्म गाय इन इन वर्ल्ड क्रिकेट आई नो ही गॉट टू टू डक्स इन इन द three playoff games in the IPL. I know he got two ducks there, but the guy who got him in the final is also in the Australian side. He produced the ball of the goddamn tournament. Mitchell Starc, अगर तुमने बॉल देखी थी, I don't know, जिस पे उसने ट्रैविस हेड को आउट करा है फाइनल में, अभी जाके देख लो. Just type it in somewhere. It is a delivery, like, I don't know. हम अगर किसी पाकिस्तानी ने ये बॉल कराई होती, तो हमने शायद उस पे कोशिश कर ली होती 6 फिल्म बनाने की और एक दो किताब किसी ने कोशिश करी होती और फिर एंड में कुछ नहीं होता बिकॉज पाकिस्तान में इंडस्ट्री ऐसी है बट इट वॉज लाइक एन एब्सोल्यूट पीच और मिचेल स्टार्क का इज सच एन ऑस्ट्रेलियन थिंग दैट ही हैड लाइक अ टफ टूर्नामेंट लाइक ऑल अदर फास्ट बॉलर्स इन दैट टूर्नामेंट हैड लाइक अ टफ टूर्नामेंट दे गॉट हिट अराउंड इकोनॉमी रेट ऑफ 10 एंड 11 इन द ग्रुप स्टेजेस मगर जिस दिन जनाब आला जिस दिन नॉकआउट मैचेस शुरू हुए हैं तो दिमाग की बत्ती मिचेल स्टार्क की और वो जो क्वालिटी की बत्ती होती है इनकी वो इन्होंने ऐसे ऑन कर दिया कि अच्छा अब मुझे अभी इतने दिन से तो मैं एंडी मरी बना हुआ था लेकिन अब मैं रॉजर फेडरर बन गया हूँ ठीक है ना ये मेरा अब आप साइड पे हो जाइए और ये मैंने जानबूझ के एंडी मरी का नाम लिया इसलिए इतने सारे जो अंग्रेज समझते हैं ना एंडी मरी इतना था कोई नहीं था घंटा वो स्कॉटिश है फॉर स्टार्ट एंड ही वाजंट एवर पार्ट ऑफ द बिग थ्री ओके देयर वाज नो बिग फोर ही वाज नॉट पार्ट ऑफ इट सो Mitchell Starc went through the whole tournament being Andy Murray, and then in the finals he just went, "I'm actually Roger Federer," and he just like killed everyone. So Australia, like New Zealand, they're going to be, but for very different reasons. Australia, like New Zealand, we're probably not even going to talk about, and they'll make it to the semis at the very least, and be like, "Yeah, of course they're there. Like they have to be there." तो तो मैं बैड तो है कि मिच मार्श बैड टू टू मैं है तो ऑस्ट्रेलिया डिसएग्री नहीं आया करूंगा. मैं ये कह रहा हूं कि आई थिंक प्योरली मोजो पे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया मिच मार्श को आगे लाके ओवर कमिंस, अगर कमिंस आपके सामने मौजूद है तो आई थिंक इनका मोजो, ये इन्होंने गलती की है, क्या अंजाम होगा मैं कुछ कह नहीं सकता. और दूसरा कि इंडिया गौतम गंभीर को ड्रेसिंग रूम में लाके उन्होंने बड़ा पॉजिटिव अपने लिए मोजो किया है, नहीं वो अभी कोच तो नहीं है तुम लोग ऐसे बात करो जैसे वो कोच है अभी मैं कोच नहीं है अभी अभी भी राहुल द्रविड़ कोच है इंडिया का उसे अभी नहीं इज इट निकाला बट दैट्स हाँ व्हाट्स अभी रूमर्ड. राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट इस टूर्नामेंट तक है ओ आई थॉट गंभीर इज इन. नहीं अभी नहीं ओ सॉरी गौतम इंडियन गंभीर ने फैंस. जस्ट वन दी आईपीएल Yeah, no, I knew that. I thought that they were putting him into the setup for the World T20, which No, obviously no. is this last minute.
मतलब मुझे वही एक्सपेक्टेशन थी कि यू वेल डैम सॉरी इंडिया, ये तो फिर तो नहीं गा, गौतम एक दफा आएगा देन आई फील के इंडिया, आप जो भी टूर्नामेंट अगला होगा इंडिया जीत जाएगा, ये मुझे इसका कोई शक नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर अगर आप वो मोजो रैंकिंग से, तो आई थिंक वीरेंद्र सहवाग इज ऑल्सो, यू जस्ट पुट हिम इन द ड्रेसिंग रूम, इंडिया स्टार्ट विनिंग अंडर मोदी स्टेट, आई थिंक दीज टू आर या द बेस्ट ऑप्शन, एंड सुरेश रैना ऑल्सो मे बी दैट दैट कैन वर्क। बट खैर, तो आई थिंक फिर इंग्लैंड का, अच्छा तो एक्चुअली फिर मैं तीसरा इंग्लैंड की तरफ आता, बिकॉज इंग्लैंड के बात करना भी बड़ी बोरियत होती है उनके बारे में, एंड द वे दे वर जस्ट सच अ जोक इन देयर टाइटल डिफेंस ऑफ द 50 ओवर वर्ल्ड कप, के यू नो आई हैव एन इंस्टिंक्ट नॉट टू टेक देम सीरियसली, बट क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर दोनों खेल रहे हैं कैरिबियन में T20 क्रिकेट फॉर इंग्लैंड। आई जस्ट फील लाइक दिस, एंड दीज आर टू डैम गुड T20 बॉलर्स। That's too much specs, सॉरी, both of them. या और Too much मतलब specs. विद द चिप्स ऑन देयर शोल्डर्स, द यू नो द काइंड And ऑफ, Jofra, by the way, like in his comeback game against Pakistan, पहला ओवर थोड़ा सा उसका हल्का था, like even Babar hit him over his head. लेकिन Jofra ने एक बार अपनी रिदम पकड़ ली ना, तो it was like अच्छा बाबू, बस बंदा आ गया वापस. And there is still I think no sexier action and no easier on the eye action in world cricket than Jofra बेशक Archer. बेशक The guy बेशक, is just, Azam Khan actually played him quite well. And then, of course, no, in fact, Azam Khan was hitting somebody else. I'm trying to think who he hit for a couple of नहीं fours. इफ्तिखार टू हिट हिम, नहीं, Azam Khan ने मारा, फिर Azam Khan gave his wicket away to Jofra. And ओके it ओके wasn't a ओके great ball, it wasn't a great shot, but just Jofra being back. That gives England a whole new dimension. That's the thing about England, that like England are a very, very good. They're the defending champions for God's sake. They're very, very good white ball side still. One day cricket mein shayad itna na ho. I've already forgotten about the one day format anyway. But England are a very good T20 side, and Jofra just like gives that side a different kind of edge. Or wo puri ek Destiny type feels आ रही है जोफ्रा और क्रिस जॉर्डन के साथ, that they're going to be back in the Caribbean, in Barbados where they're from, and playing there and stuff. It could go, like I feel like वो मुझे वो फीलिंग आ रही है कि ये जो भी तुम किसका कह रहे थे कि एक्सट्रीम हो सकता है, कि या तो बहुत ही जबरदस्त तबाही वाला टूर्नामेंट होगा, या बहुत ही एक बुरा कि यार क्रूल डेस्टिनी होम home tournament for these two, or like coming back to home in a way, and I don't know, they get injured and Chris Jordan has a bad tournament or something. Ye bhi ho sakta hai. I can foresee that also. But like if touch wood, Jofra stays fit, and if Chris Jordan, this can be batting improve career. That's why he's back in the side actually, because he's improved his batting as a six hitter at number eight. I think those two, they make that team. And Adil Bhai, always a winner, leg spinning favorite Adil Rashid Bhai is there, and they've got a decent मतलब side. मैं वही कह रहा था ना कि इनकी टीम को अगर आप पेपर पे देखें, वो तो पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनकी बड़ी अच्छी टीम थी। हाँ जितनी वो जलालत से हारे, इनको हारना नहीं चाहिए था, यू नो दे जस्ट हाँ रियली वर मच मच लेस देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स, राइट? लाइक बट आई थिंक T20s में इंग्लैंड की टीम तब भी यू नो इवन लॉन्ग टर्म ज्यादा कंसिस्टेंट रही है, नॉट जस्ट इन लाइक दिस करंट एरा। दिस हैज बीन अ फॉर्मेट, दे हैड मोर वाइट बॉल सक्सेस ऑल्सो, और के मुझे वही दिख रहा है कि मतलब बाकी उनकी सपोर्टिंग कास्ट इज ग्रेट, बट लाइक जोफ्रा और जॉर्डन इन द कैरेबियन, एक को इंजरी हो सकती है, बट लाइक यू नो आई जस्ट फील लाइक बोथ ऑफ देम द नैरेटिव इज सो इरेसिस्टिबल। या अगर खुदा ना खास्ता वेस्ट इंडीज आर आउट अर्ली, इट माइट नॉट इवन सरप्राइज मी इफ लाइक यू नो लोकल्स आर चेयरिंग दीज टू ऑन। यू नो वो आई थिंक विद जोफ्रा दिस सीम्स टू बी लाइक अ लिटिल बिट मोर कॉन्ट्रोवर्सी, एंड इट्स ऑल्सो मोर रिसेंट। वो विद क्रिस जॉर्डन, लाइक यू नो आई थिंक इतना उसका एक्रिमोनियस एग्जिट नहीं थी, तो यू नो लाइक आई कैन टोटली सी देम बीइंग अडॉप्टेड बाय द होम क्राउड्स एज वेल। तो आई थिंक क्या बिग थ्री में मोजो वाइज आई फील इंग्लैंड हैज द एज।
That's where I'm going to go with it. I think in the these Arya part types, I think West Indies. पाकिस्तान के जल्दी से देख लें पाकिस्तान. यू नो व्हाट, फॉर ऑल आर इनग्रेन्ड सिनिसिज्म एंड पेसिमिज्म अबाउट पाकिस्तान, लाइक T20 टूर्नामेंट्स में लास्ट टू टूर्नामेंट्स देव बिन, यू नो देव मेड अ वे थ्रू. देर अ गुड टूर्नामेंट साइड. आई थिंक पुरानी जो ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान टीम के बारे में कि थोड़ा सा उन्हें मोमेंटम चाहिए होता है. आई नो सम पीपल डोंट बिलीव इन मोमेंटम एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक पाकिस्तान टीम के लिए अभी भी थोड़ा बहुत फायदा होता है दैट वंस यू स्टार्ट विनिंग then you get better and other players come in, you pick a player somehow and he comes in does well. I'm looking at you, Abrar Ahmed, in this tournament. कि अचानक से किसी को इंजरी होगी और अब्रार आ जाएगा, या शादाब कहते डिजास्ट्रस फॉर्म रहा है कि अब्रार कम्स इन हिज प्लेस एंड डज वेल. देव गॉट फॉर ऑल द इम्परफेक्शंस इन द साइड, देव स्टिल आई फील लाइक देव गॉट इनफ प्लेयर्स जो कि आपको मैचेस जिता सकते हैं अभी भी. Obviously, many things need to go right. You need to be smart with your tactics. You need to be smart with your 11, with your selection. लेकिन अगर जैसे हारिस रऊफ आया वापस, आपने उसे पावर प्ले में एक ओवर कराया जो कि बहुत गलत बात थी, बेटा नहीं करना चाहिए ऐसे. He went for 17 in that, but in the other three overs he bowled, he was actually really good. He was probably the pick of Pakistan's bowlers in the other three overs that he bowled. Shaheen is looking like, you know, these days in T20s. मैं शाहीन की फिगर्स देखता हूँ, मुझे याद आता है मैं बचपन में जब वसीम या वकार या किसी की फिगर्स देखता था तो आई यूज्ड टू लाइक, उस वक्त मैचेस आप देखते नहीं थे, सिर्फ अखबार में आप स्कोर कार्ड देखते थे और रिपोर्ट पढ़ते थे, एंड बिफोर रीडिंग द रिपोर्ट यू वुड लुक एट द फिगर्स टू सी. एंड यू नो इनवेरिएबली एवरी गेम में वसीम और वकार वुड हैव टेकन टू और थ्री विकेट्स इन एन ओडीआई एट दैट टाइम. और उस जमाने में नुअंस हमने ये सीखी थी कि यार हर गेम में आपको 5 विकेट लेना जरूरी नहीं है. वो तो आप बचपन में देखते हो कि यार ये बॉलर मेरा हर दिन 5 विकेट लेगा. एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज दैट एक्चुअली लाइक अ 2 for 30 स्पेल इज ऑल्सो कैन बी अ रियली गुड स्पेल, यू नो. सो शाहीन के साथ आजकल मुझे ये लग रहा है कि जब भी मैं, अगर मैंने मैच देखा भी ना हो तो मैं स्कोर कार्ड चेक करता हूँ तो उसने हमेशा 2-3 विकेट ली होती है. यू नो शाहीन कपल ऑफ गुड थिंग्स ही इज डन आई फील. थोड़ी बहुत जो हमने, आई थिंक मैंने पिछली बार when I was going in one of those extreme cynical modes, yeah, I don't know who I was talking to, but he's basically, he has moved away, I think, slightly from that. Main pehle over mein sirf 6 ki 6 in swinging yorker try karunga. He's moved away from that and he's figured out lengths, and I think, you know, he does bowl back of a length when it's needed. He does experiment a bit more. So I think he's becoming better. Naseem is back. Haris Rauf is back in the power play. Amir Asad, I know you have a soft spot for him. You have a soft spot for him. Even I might have a soft spot for the kind of old, canny, wise little bowler he's become these days. T20 ka jo wo ban gaya. The one thing I'm really worried about, and I feel like it can upset Pakistan's tournament, is Shadab. Shadab ki bowling crucial rahi hai Pakistan ke liye. बहुत दिन के लिए. एंड आई जस्ट आई डोंट नो मे बी ही हैड जस्ट अनदर बैड डे. आई नो हिज डिफेंडर्स से कि उसका फिगर्स अगर देखो तो इतने बुरे नहीं है अभी तक, बट देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट हिज बोलिंग राइट नाउ दैट्स जस्ट नॉट सिटिंग. एंड आई थिंक पाकिस्तान आर अबाउट टू लूज फेथ इन कीपिंग हिम इन द 11. आई सस्पेक्ट दैट ही इज नॉट अ सर्टन स्टार्टर इन दैट 11, विच I can understand why on form and stuff, but I just feel like it's yaar ek T20 11 jisme Shadab na ho Pakistan ke liye, that is like a weaker T20 11 than with Shadab in. I think ke ek cheez hai ke kisi bhi tournament mein cricket ki tareek mein dekh le to it's very difficult at the outset of the tournament. Yeah, obviously there are a few of them, but I think by and large, at least on paper, you can convince yourself that Pakistan ki team tournament jeet sakti hai. Like, main soch raha tha ki, like probably 2015 ki team is the one I feel was the weakest in the ODI World Cup, and you know, 2003. I know a lot of people. I was a young person. I was too. I needed distance to realize how terrible that team was.
मगर यू नो आई वॉज लाइक वॉज इन डिनायल, मगर 2015 में मिसाल के तौर पे वो थी, मगर उस टीम ने भी मतलब यू नो थोड़ा बहुत खेल दिया था। आई थिंक पाकिस्तान की टीमों के अंदर पोटेंशियल तो हमेशा होती है। आई वुड ऑल्सो से दैट यू नो दिस इज प्रॉब्ली लाइक अ गोल्डन एरा फॉर वाइट बॉल क्रिकेट इन पाकिस्तान। मे बी दीज गाइज टैलेंट वाइज आरंट एज गुड एज द माइटी 90s और व्हाटएवर, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो शोइंग अप, लाइक इन्होंने सेमीफाइनल खेला है, फाइनल खेला है, इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट में हराया है। ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर 90s एंड नाउ, फॉर्म एक फॉर्मेट भी नहीं था और उस वक्त शारजा की बड़ी वैल्यू थी जो लॉन्ग रन एंडेड अप बीइंग यूजलेस। बट यू नो कि इन टर्म्स ऑफ लाइक सक्सेस फॉर वाइट बॉल साइड इन पाकिस्तान, लाइक सर्टनली 21st सेंचुरी में दिस इज एज गुड एज वी हैड। यू नो वी नॉट प्लेड वेल इन द ओडीआई वर्ल्ड कप, बट एटलीस्ट इन द वर्ल्ड T20 वी हैड गुड टूर्नामेंट्स लास्ट टू टाइम्स अराउंड। तो मुझे जो सिनेसिज्म कहें या पेसिमिज्म या कॉशन या जो कुछ भी, उसमें एक तरीके से ये आ रही है कि यू नो लाइक थ्री ग्रेट टूर्नामेंट्स इन अ रो इज नॉट वेरी पाकिस्तान लाइक। वन टू के वो जो अगर आप फिक्स्चर्स देख के कुंडली देखें ना पाकिस्तान की, अगर आप सोचने की कोशिश करें तो आई फील इफ आई हैव टू इमेजिन अ पाथ, इट मीन्स के आप यूएसए से हारे, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट शॉकिंग लॉस अर्ली इनफ वाइल यू नो इट डजेंट थ्रू यू आर द टूर्नामेंट। उसके बाद हमारा मैच इंडिया से, आई रियली फील द ओनली वे वी गो ऑल द वे टू द फाइनल इज कि यूएसए से हारने के बाद अगर हम इंडिया को हरा दें, वहां से फिर सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। बट अगर आप फर्ज करें यूएसए को हरा भी दें और इंडिया से हार जाए, एंड देन वी गॉट लाइक ऑल दीज वियर्ड मैचेस, राइट? लाइक वी हैव टू प्ले आयरलैंड, और सबसे पहले कैनेडा के खिलाफ है और आयरलैंड के खिलाफ भी हमारा मैच है। एंड दे जस्ट लाइक यू नो आई एम नॉट लविंग दीज मैचअप्स, राइट? लाइक एंड सो इफ पाकिस्तान काइंड ऑफ सिर्फ अगर इंडिया से हारें बुरी तरह और बाकी सारी मतलब टीमों से है, तो बड़ा लाइक आसान है इमेजिन करना कि हम फिर से कुछ और हार जाएं। और अगर नहीं भी हारें तो यू नो बाय टाइम वी कम टू नॉकआउट्स लाइक दिस दिस टीम इज जस्ट फेल्ड अपवर्ड्स, एंड सो इट्स यू नो इट्स नॉट गोना गो फार। तो आई थिंक पाकिस्तान का रास्ता जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो उन्हें मोमेंटम पिक करनी होगी, क्योंकि अगर आप इंडिया को They एक have to दफा हरा lose to the दें, US, basically. They have to lose to the US. दे हैव टू लूज टू द यूएस, बट देन दे हैव टू बीट इंडिया, राइट? बिकॉज इफ दे लूज टू द यूएस एंड दे लूज टू इंडिया, then तो your tournament is pretty much over, and you know like and it's very impossible to build momentum by beating Canada and Ireland. But अगर आप एक दफा इंडिया को हरा दें, फिर कनाडा आयरलैंड के मैचेस से भी आप बड़ी पम्बू यार शराब चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, आप वो बातें कर सकते हैं। बट अगर आई I can थिंक ये बड़ा imagine. ये फॉर द पाकिस्तान कहते हो पाकिस्तान का, जैसे ये बड़ा कम होगा ना कि अच्छा ये घटिया घटिया 3 मैचेस के लिए, और अब जब नेक्स्ट राउंड आए देन वी क्लिक इन टू गेयर एंड यू नो अब हम ऑस्ट्रेलिया और सबको हरा रहे हैं जो कुछ भी, लाइक आई डोंट सी दैट हैपनिंग, राइट? वी हैव टू बी राइडिंग अ वेव कमिंग इन टू दैट नेक्स्ट स्टेज। तो इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी है, क्योंकि आई थिंक वही जो दैट जो शुरू में तुम बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान इंडिया का मसला यही है कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करता है करना है, ये इनको अभी तक समझ नहीं आया है। तो हर दफा जब भी वो शॉपिंग करके वापस आते हैं, जस्ट फील लाइक यू कुड रन अ लॉट बेटर विद दैट। एंड विद पाकिस्तान एज आई सेड कि मतलब वो ऑप्शंस भी बड़ी कम ही हैं, ये यू नो लाइक आई फील लाइक एवरीथिंग हैज टू हिट फॉर दैट टू हैपन। बट या आई Okay, फील we were going to talk about Shaheen, but I think we can leave that for now because आई थिंक हमारा या एंड वी आर डन फॉर द डे। आई वांट टू नो आई वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट एंड से चलो नेम योर 4 सेमीफाइनलिस्ट। या तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। अच्छा ये मैं ये बताता चलूं कि मैंने वो नहीं देखा है ब्रैकेट, तो यू नो लाइक लोग कहेंगे ओ सो तो मैं यही स्टूपिड। बताना चाह रहा था कि वेस्ट इंडीज का बड़ा टफ ग्रुप है बाय द वे। वेस्ट इंडीज इज नॉट इन एन इजी पोजिशन एट ऑल। वेस्ट वेट इंडीज लेट हैव, लेट मी जस्ट आल्सो हैव द ग्रुप्स ओपन ना, तो वी कैन आई एम ब्रिंगिंग इट अप फॉर यू। सो वेस्ट इंडीज हैव न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान इन देयर ग्रुप्स, या राइट? सो देयर इज पोटेंशियल फॉर लाइक स्लिप अप्स देयर या फॉर श्योर, या यू नो। आई तो मीन सो वो आई फील स्लिप अप, हाँ मतलब कि वही है कि वेस्ट इंडीज का अगर स्लिप अप हो तो सकता है, बट आई जस्ट फील मैन एट होम इन T20s
अफगानिस्तान बॉस, अफगानिस्तान बॉस। नो श्योर, आई आई फील अफगानिस्तान तब भी इनको फंसा ले, आई थिंक न्यूजीलैंड नहीं फंसा सकता। हाँ शायद होम पे, यू राइट, आई फील लाइक वेस्ट इंडीज हैव, दे जस्ट हैव लाइक सम नो हाउ या अबाउट, यू नो, दे लाइक हैव रोमन पावल इज द कैप्टन, अकील हुसैन इज इन दैट साइड, आंड्रे रसल इज देयर, you know, they've got things going on there, which like Shamar Joseph is the new guy who's going to surely rock his home country in this first like major tournament that he plays for them. Yeah. They've got things, they're missing Jason Holder. I think Jason Holder ki abhi injury hui, but then they've got Obed McCoy in his place. They've got the know-how and the team and just the knowledge of home conditions and stuff. You know, I think they have stuff going on. So you're saying England, West Indies. Wait, ye har there's a Super 8s, right? Yeah, so I think basically semi-finalists pe I would say, yeah, England, West Indies. I feel yeah, I think there's no one else that I'm 100% sure of. I'd love for Pakistan to be there, and phir uske alawa that would, so I would imagine ke either one of Pakistan or Sri Lanka and Australia or India, but most likely it'll be Australia and India the way the world goes. What was there again? It'll be. So I think England, West Indies, Australia, India, but मैं चाहूंगा कि ये हो कि पाकिस्तान श्रीलंका में से एक घुस जाए. हाँ. I okay. I'll say. I'll end on Pakistan, Australia, South Africa, and England. You're knocking West Indies out and South Africa आ रहा है I don't know. I've just got a and feel about South इंडिया, Africa. इंडिया भी हाँ बाहर है. हाँ वाह भाई उस्मान भाई, It's the most ludicrous. I don't think it's even possible that can happen, but I've picked it anyway. So there you go. देयर That's वी my sentiment. गो. Bye. ओके, तो आई होप कि असद आपको अब लगा हो कि हमने काफी खुशी और दिलचस्पी से इस शो को मुकम्मल किया है. एंड आई मीन, यू नो, इट्स वी आर नॉट फेकिंग इट. आई थिंक वी आर बोथ प्रीटी एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड T20. एंड द नेक्स्ट टाइम वी सी यू गाइस, द टूर्नामेंट शुड बी अंडर वे. एंड होपफुली वी विल सी यू मोर ऑफन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इटसेल्फ. टिल देन टेक केयर. मुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ